अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें दोबारा टाइम दिया। सर बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाह रहे थे एक बहुत एक जो पंचर के हवाले से, तो आजकल एक मार्केट में एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं सर कोल्ड पंचर। आपने अपने पिछली वीडियोज़ में भी कुछ में जिक्र किया था कोल्ड पंचर का, तो अभी हमने ये भी आपने हमें बताया कि कोल्ड पंचर की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कोल्ड पंचर है क्या चीज़। इमरान साहब, ये एक बहुत अहम जो है ना वो एक इशू भी कह लें इसको और प्रॉब्लम भी कह लें इसको, कि जिस तरह के हमारे यहाँ रोड कंडीशंस हैं, मकसद है कि अक्सर जो है लोगों ने कोई कांच फेंका होता है, कीलें फेंकी होती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवन के मोटरवे तक जो है हम ये देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती हैं। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि रोड के ऊपर यानी क्या कुछ पड़ा हुआ है, और इसमें ज़्यादा अनफॉर्चुनेट जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो ब्रांड न्यू टायर्स डालते हैं और फिर कई हफ्ते, 10 दिन, महीने के अंदर कोई चीज़ लग जाती है, वो टायर कट जाता है या पंचर हो जाता है। तो उनके लिए फिर जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि इसकी रिपेयर या इसका पंचर हम कहाँ से लगाएं। अब इसमें जो पंचर के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने अपने तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैंने इसकी अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि देखें पंचर जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहला पंचर जो आप लगवाते हैं वो होता है ऑल पंच कहलाता है, यानी सुए वाला पंचर जिसको हम कहते हैं। अब सुए वाले पंचर का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वो डायरेक्ट जो सुआ होता है वो आप उस पंचर एरिया के अंदर जो है उसको इंसर्ट करते हैं, तो जब उसको आप इंसर्ट करते हैं टायर के अंदर तो जो पंचर लगा रहा होता है उसको इस चीज़ का जो है अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो सुए का जो पॉइंट है वो किस एरिए को जाकर हिट करेगा। अब अगर तो वो लकली जो है वो उसके किसी गैप में जाकर हिट हुआ तो फिर तो आपका टायर सेफ है, लेकिन अगर वो उसके किसी जोड़ पर जाकर लग गया तो वो उस जोड़ को तोड़ देता है। जब वो सुआ उस जोड़ को तोड़ देता है तो फिर उसमें ये होता है कि वो जो टायर का नेट होता है वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो खुलना शुरू हो जाता है, और फिर आपको ये कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है कि जी आपके टायर के अंदर बेताशा वॉबलिंग आ रही है। वॉबलिंग इसलिए आती है कि जब वो नेट जो है वो टूट जाता है स्ट्रेस की वजह से और उस एरिया के डैमेज होने की वजह से, तो फिर वो स्ट्रेच करता है और आपकी गाड़ी को जो है वो बैलेंस नहीं रखता। तो इसलिए ये एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जो सुए वाला पंचर जो है वो तो एक टायर के लिए समझ लें कि एक सुसाइड है। दूसरा ट्रीटमेंट जो आता है वो ये आता है कि आप जब पंचर लगवाने के लिए जाते हैं तो जो पंचर वाला जो होता है वो ये करता है कि वो आपका टायर खोलता है और जिस एरिया में वो पंचर होता है या वो जो कील गई होती है वो उसको बाहर निकालता है, फिर उस एरिया को वो रफ़ एंड बफ़ करता है। रफ़ एंड बफ़ करने के बाद फिर वो ये करता है कि वो जो पंचर होता है वो उसके ऊपर एक अपना सोल्यूशन लगाता है। सोल्यूशन लगाने के बाद जो है वो उसको एक गर्म प्लेट के साथ फिर उसको वो प्रेस करता है। अब वो गर्म प्लेट जो होती है वो उसने साथ एक वो गैस का चूल्हा रखा होता है जिस पर वो उसको गर्म कर रहा होता है, और वो एक अंदाज़े के मुताबिक जो है ना जो उसकी हीट होती है वो डिटर्मिन करता है और वो उस जगह पर चिपका देता है। अब उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिस एरिया से तो टायर आपका पंचर होता है वो एरिया तो वो वल्कनाइज हो जाता है, मगर हीट की वजह से, गर्माइश की वजह से आपका टायर जो है वो बाकी का जो उसके यानी कि जो इर्द गिर्द का एरिया होता है वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से पंचर लगवाने के बाद फिर आपके टायर के अंदर ये महसूस होता है कि जैसे हल्का सा जंप आना शुरू हो गया हुआ है। अब वो जंप इसलिए आता है क्योंकि वो हीट की वजह से जो अंदर का जो आपका एरिया होता है, कार्कस एरिया उसको हम कहते हैं, वो अनइवन हो जाता है और फिर आपके टायर के अंदर वो स्टेपिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसका जो बेहतरीन जो सोल्यूशन है या जो इसका बेहतरीन हल है वो कोल्ड पैच कहलाता है या ठंडा पंचर जिसको हम कहते हैं। अब ये चीज़ जो है, ये ठंडा पंचर जो आप लगाते हैं, इसके लिए आपके पास जो जो मशीन होनी चाहिए वो प्रॉपर मशीन होनी चाहिए,
और हाइड्रोलिक होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप उसका टाइमर सेट कर देते हैं और वो उस टाइम के मुताबिक उसको जो है प्रेस रखती है, और फिर जब आप उसको रिमूव करते हैं तो आपका टायर जो है वो बिल्कुल यानी स्मूथ होता है। दूसरी बात ये है कि जो आप गर्म पंचर लगाते हैं उस पंचर की गेज जो है वो ज़रा मोटी होती है, कोल्ड पैच जो होता है उसके पंचर की गेज जो है वो पतली होती है, जिसकी वजह से फिर वो उसके साथ बिल्कुल बैठ जाता है तो सर जाकर। ये आपके पास ये कोल्ड पैच मशीन अब अवेलेबल है? जी मैंने ये अभी रिसेंटली कोई लास्ट वीक मैंने ये चीज़ जो है वो खुद परचेज की है, ताकि मकसद है कि मैं लोगों को तो कहते रहता था, वो कहते थे जी कि कहाँ से लगेगा, कौन लगाएगा। अब ऑब्वियसली अब हर जगह पर तो ये फैसिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो व्यूअर्स और जो कस्टमर्स मेरे यहाँ पिंडी में हैं या इवन इस्लामाबाद में भी हैं, अगर उनका कोई पंचर का इशू इस किस्म का बनता है तो अगर वहाँ पर उनको ये फैसिलिटी मिल रही है तो वो उसको यूटिलाइज करें, अदरवाइज यहाँ पर जो कस्टमर्स मेरे पास आते हैं तो मेरे पास ये मशीन मैंने परचेज कर ली हुई है। तो सर आज आप हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे जी सकते हैं बिल्कुल, इसकी? मैं आपको इसका पूरा एक डेमो देता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी वो इमरान साहब, अभी जो आपसे बात हो रही थी तो अब मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल जो डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि जब टायर पंचर होकर आता है हमारे पास तो फिर हम इसको क्या करते हैं। ये अब एक टायर है जो कि यहाँ से पंचर हुआ हुआ है, ये देखें आप सामने से जो है ना, ये पंचर है इसका, ठीक है ना। अब पहला जो स्टेप इसमें जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि ये हमारे पास एक मशीन है, बजाय अब रेती के साथ इसको रगड़ने के, इस मशीन से हम इसको उस एरिया को पहले रफ एंड बफ करेंगे। अब ये देखें ये रफ़ एंड बफ हो गया है, ठीक है ना, बहुत जल्दी हुआ क्योंकि इसकी अब इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। इसके बाद अब ये होगा कि अब इस जगह के ऊपर, इसी जगह के ऊपर जहाँ से ये पंचर हुआ है, ये एक इसके अंदर वो जो है वो एक ट्यूब है, सोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, वो हमने उस एरिया पर लगा दिया, ये सोल्यूशन है, ठीक है जी। ये सोल्यूशन लगाने के बाद इसको हमने मैन्युअली सारा इसको स्प्रेड कर दिया वहाँ पर, ये इसकी अब ये इसको स्प्रेड कर दिया। देखें ये एक ये जीएमएसए का पंचर है, जो कि विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट पंचर, और जो कि कोल्ड पंचर को ट्रीट करता है। ये अब पंचर वहाँ पर लगाएंगे, ये देखें ये पंचर आप उस जगह पर हमने इसको इंसर्ट कर दिया है, ये देखें, ठीक है सर। ठीक है, अब इसको अब हम वो जो मशीन हमने ली है, ये मशीन जो है इसको भी हमने, ये मशीन हाइड्रोलिक मशीन है ये, ठीक है ना सर। ये इसके अंदर आ गया, इसने अब इसको प्रेस कर दिया है, ये कितनी देर तक रहेगा प्रेस? ये 2 मिनट, बस 2 मिनट में जो है ना ये मशीन ने इसको प्रेस कर दिया है। अब अगर कोई साहब कहते हैं कि नहीं जी हमें ठंडा नहीं गर्म पंचर लगाना है, तो फिर उसके लिए फिर हम जो है ये जो एक वायर जा रही है उधर, वो हम उसको इंसर्ट करते हैं और फिर हम वो लगा देते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने आपको बताया ना कि रिकमेंडेड नहीं है, तो लिहाजा आप इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये पंचर आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। चले, अब ये 2 मिनट हो गए हैं आपके, अब आप देखें इसको, ये अपनी जगह पर आ गए, ये देखें अब आप ये राइट, ठीक, देखें ये जो पंचर लगा है ना अंदर, अब इसका सरफेस आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई अनइवन सरफेस नहीं मिलेगा आपको, ये ऊपर से उतर जाएगा कागज़, ये वैसे ही है और ये अपनी जगह पर स्टिक रहेगा। राइट सर, थैंक यू सर।